हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप ठाकरे और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल वर्त आयस पर। सो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस भर्ती 2020। बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी निकली है बल्क में। मैं चाहूँगा 10th 12th और जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्म को फिलअप करें और बहुत ही इजी एग्ज़ाम होता है एसएससी एमटीएस। आपको पता ही होगा एसएससी का जो बेसिक लेवल एग्ज़ाम है, इसमें सैलरी आपको 5200 टू 20200 प्लस 1800 इंसेंटिव पर मंथ होता है। ये पे स्केल है फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है। आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगने वाला है और फीस जो है वो गर्ल्स के लिए नहीं है, मतलब फ्री रहने वाला है। फ्रीली जो है गर्ल्स इसको अप्लाई कर सकती हैं। एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट नियरली 8000 मीन्स 7100 के आसपास पोस्ट है, 7099 एसएससी एमटीएस जॉब नोटिफिकेशन। देखते हैं हम लोग इसकी क्या डिटेल है। आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं टिल द 15th ऑफ जुलाई 2020। अब ये इतना लॉन्ग डेट क्यों दिया गया है मैं लास्ट में बताता हूँ फ्रेंड्स आपको। हमारी एसएससी ऑर्गेनाइजेशन है, एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होने वाला है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन भी ऑल ओवर इंडिया में रहने वाली है। पोस्ट का नेम है इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल, मतलब कोई भी टेक्निकल वर्क नहीं होगा। जो भी आपको मल्टीटास्क मतलब कोई भी वर्क दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग टू काम करना है। पे स्केल जो है आपको मैंने बता ही दिया है, नियरली 25000 के आसपास इसका सैलरी टोटल बनता है। क्वालिफिकेशन जो है एसएससी एमटीएस जॉब में 10th कैंडिडेट जो है पास, मतलब 10th पास जो है वो कैंडिडेट होना चाहिए, मतलब बिलो 10 नहीं चलेगा। 12th है, ग्रेजुएशन है तो भी ये इसको अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो पेपर 1 ऑनलाइन होता है, पेपर 2 ऑफलाइन होता है, जिसमें एसे एंड लेटर वगैरह आपको राइटिंग पेन एंड पेपर से लिखना पड़ता है। और ओवरऑल जो है फर्स्ट पेपर आपको ऑनलाइन क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। एसएससी एमटीएस का हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। पेपर 1 क्या होता है, मैंने पहले ही बताया ऑनलाइन पेपर होगा। उसमें हमारे एज यूजुअल 4 सेक्शन होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। सारे जो सेक्शन है 25 क्वेश्चंस ईच होते हैं, मार्क्स भी 25 ईच होते हैं। 1.5 घंटे का आपको टाइम पीरियड मिलता है। जो भी हैंडीकैप स्टूडेंट होते हैं उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। और ये फ्रेंड्स आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाला है, मतलब एमसीक्यूज। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स का, मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो 0.25 मार्क डिडक्ट होंगे, और 4 क्वेश्चन अगर रॉन्ग होते हैं तो 1 मार्क डिडक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पेपर मिलेंगे। साथ में एमटीएस जो पेपर टू होता है उसका पैटर्न भी मैं बता देता हूँ। ये डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, मतलब राइटिंग होने वाली है, कोई एमसीक्यू या सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेंगे उसमें। साथ में आपको इसमें इसको टीयर 2 कहा जाता है, टोटल 50 मार्क्स का होने वाला है जो कि राइटिंग एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें अकॉर्डिंग टू द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं राइटिंग करने के लिए। आपको इसमें एक तो शॉर्ट ऐसे दिया जाएगा या लेटर दिया जाएगा जो कि इंग्लिश या कोई भी और लैंग्वेज जो भी आपको आती है, मराठी, तेलुगु, तमिल वगैरह कोई भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। 50 मार्क्स का टीयर 2 रहने वाला है। टोटल टाइम आपको इसमें 30 मिनट्स मिलने वाले हैं, जो हैंडीकैप्ड पर्सन रहेंगे उनको 40 मिनट्स मिलने वाला है। एज लिमिट आपको 20 to 25 ईयर्स रहने वाला है। इसमें एज रिलैक्सेशन दिया है 5 ईयर्स फॉर एससी एसटी एंड 3 ईयर्स फॉर द ओबीसी। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपको जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ रहने वाला है, एससी एसटीज और फीमेल के लिए कोई भी एग्ज़ाम फीस नहीं होने वाला है। स्टार्टिंग डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन है 2 जून 2020, और डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन जो है 15 जुलाई है, मतलब लास्ट डेट बोल सकते इसको। डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है 26th of October to 13th of November को कंडक्ट की जाएंगी, जो कि एग्जैक्टली डेट्स पर कंडक्ट होंगी। इसको अप्लाई करने के लिए लिंक आपको गिवन है, मैं जो हूँ इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी फॉर्म फिलअप स्टार्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये बल्क में रिक्रूटमेंट है, साथ में इसकी डेट पहले ही अनाउंस की जाती है, मतलब नोटिफिकेशन पहले ही आ जाता है। अभी ऑलरेडी कोरोना भी चल रहा है, और साथ में फ्रेंड्स इसका जो है प्री नोटिफिकेशन दे देते हैं 1 महीने पहले और 1 महीने बाद डेट्स दी जाती है हर साल, ताकि जो है स्टूडेंट्स इससे अवेयर हो, सबको पता चले कि
जो है इसमें रिक्वायरमेंट है, और काफ़ी सारी बल्क में रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट को, इसलिए भी ये जल्दी दिया जाता है। तो जो डेट है फॉर्म की ऑनलाइन सबमिशन की, ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है, उसी डेट को आप 2 जून से स्टार्ट कर सकते हैं फिलअप करना, और एग्ज़ाम ईजी होता है, और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा ताकि जो है आपका रिक्रूटमेंट इसमें हो सके। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिएगा, डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स मैं आप तक के पहुँचा पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।